हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज ड्रॉन ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। द आईपीस फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ दिस लाइन। द लेंथ ऑफ द इमेज इज कैपिटल आई। द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज। फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यहां पर मैग्निफिकेशन। इसमें ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ, इसका फोकल लेंथ हो गया। ये हो गया आईपीस, इसका फोकल लेंथ है एफ ई। क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इसमें ऑब्जेक्ट जब इन्फाइनाइट पे होता है तो यहां पर जो रेज आती हैं वो रेज फोकस पे या फोकल प्लेन पर इमेज बनाती है। और आईपीएस को अगर हम इस टाइप से सेटअप करें कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये भी एफ ई हो जाए तो इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट हम बोल देते हैं। मतलब ये डिस्टेंस हो गया एफ ओ प्लस एफ ई, ये लेंथ हो गया दोनों लेंसेज के बीच में। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है और इस लाइन का जो लेंथ है वो क्वेश्चन में बोला गया है कैपिटल एल लेके चल रहा है। इस लाइन का यहाँ पर जो इमेज बनेगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, उस इमेज का लेंथ हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है कैपिटल आई। हमें मैग्निफिकेशन बताना है कितना होगा। तो इसमें अगर हम इस ऑब्जेक्ट का बात करें यहाँ पर, तो आई पीस क्योंकि इमेज बनाएगा इसका बैक साइड, सपोज यहाँ पर कहीं पर इसका इमेज बनेगा, आई शेप आई साइज का इमेज बनेगा। तो आई पीस के लिए अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो एल है इसका डिस्टेंस हो जाएगा माइनस एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये हमें यू ई पता लग गया। इसके अलावा यहाँ पर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है आई पीस के लिए अगर हम देखें तो आई पीस तो एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी अपॉन यू, VE अपॉन UE। या अगर फोकल लेंथ फॉर्मेट में लिखें तो FE डिवाइड बाय FE प्लस UE। अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। FE तो फोकल लेंथ हो गया आईपीस का, डिवाइड बाय FE प्लस UE। UE का वैल्यू था माइनस FO प्लस FE, माइनस FO और ये FE, तो यहां से FE कैंसिल आउट हो गया और ये सॉल्व करके आ गया एफ ई अपॉन एफ ओ। ये हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आईपीस। तो एक तो हमें आईपीस का जो मैग्निफिकेशन निकालना था उसके लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया हमें एफ ई अपॉन एफ ओ, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, ये कंप्लीट टेलीस्कोप के लिए अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट का ये साइज और इमेज का साइज इन दोनों के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो जो मैग्निफिकेशन आता है, जनरल मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर भी बोल देते हैं हम, वो मैग्नीफाइंग पावर इधर से आता है एफ ओ अपॉन एफ ई। नेगेटिव साइन भी आता है साथ में बिकॉज इन्वर्टेड होके बनती है। तो इसमें अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करके फर्स्ट इक्वेशन से अगर इधर कंपेयर करें तो कंपेयर करके जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा एल अपॉन आई। तो एल अपॉन आई यहां पर हम इसमें लिख सकते हैं आंसर। तो एम ई यहां पर जो होगा वो हो गया एल अपॉन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।